नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। यूपी दिवस, प्रदेश को 25,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, योगी बोले आज का दिन गौरवशाली। यूपी सरकार ने पहले उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर 25,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित समारोह में देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू व राज्यपाल राम नाईक ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए गौरवशाली है। यूपी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह विडंबना ही है कि यूपी दिवस महाराष्ट्र में तो मनाया जाता था लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने यूपी दिवस मनाने पर जोर दिया। इस मौके पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की गई, जिसकी पुस्तिका व डॉक्यूमेंट्री का विमोचन उपराष्ट्रपति व राज्यपाल ने किया। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस के शिलान्यास की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मार्च में 23,000 करोड़ रुपए की लागत से 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि मैंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से यूपी दिवस मनाने की बात कही थी लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। आज प्रदेश में विकास के बहुत काम हो रहे हैं। आयोजित समारोह में लखनऊ जिले की 941 करोड़ की 74 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यूपी दिवस के थीम सांग लिखने वाले राजभवन में तैनात सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को सम्मानित किया। ये सांग मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ने गाया है। धन्यवाद।